जो इनके बढ़िया डीजल इंजन थे वो फोर्ड फीगो में भी थे फोर्ड आइकॉन में भी थे फोर्ड फिएस्टा में भी थे तो उनको फिर कहीं ना कहीं फ़ोर्ड आइकॉन की सेल रोकनी पड़ी क्योंकि वो फोर्ड फिएस्टा चाहते थे ज़्यादा बिके फोर्ड आइकॉन से ये जो है इंडिया में जिनकी सेल्स परसेंटेज कुछ ज़्यादा नहीं है जिनको मारुती या होंडई वाली लग्जरी नहीं है कि वो ओवरलैपिंग वाले प्रोडक्ट्स एक साथ बेच सकें जैसे मारुती है वैगनार के साथ सिलैरियो बेच रही है सिलारी के सिलैरियों के साथ स्विफ्ट बेच रही है स्विफ्ट वाले सेगमेंट में बेलिनो बेच रही है इनकी गाड़ियाँ इनकी गाड़ियों के प्राइस ओवरलैपिंग होते हैं बट स्टिल सब गाड़ियाँ बिकती हैं इनकी हर ब्रांड के साथ ये लग्जरी नहीं है जब वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनको बहुत सोचना पड़ता है कि कहीं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमारी सेल्स ना खा जाए तो ऐसे कंसर्न्स भी हैं इसमें सभी गाड़ियाँ मकैनिकल इश्यूज़ या रीसेल के कारण बंद नहीं हुई दोस्तों और दोस्तों क्या हाल चाल आई होप आप सब स्वस्थ हैं और अपने और अपने घर वालों का पूरा ध्यान रख रहे हैं आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भी ये मेरी उम्र वाले जो हैं 28 से 33 के बीच बीच बचपन से हम बहुत गाड़ियाँ देखते आ रहे हैं हमने देखा है कि कितनी गाड़ियाँ लॉन्च हुई फिर बंद हो गई अच्छी होने के बावजूद डिज़ाइन सुंदर होने के बावजूद बहुत ब्रांड्स आए और भारत छोड़ के वो चले गए डिफरेंट कारणों से बचपन से मैं भी आप ही की तरह थोड़ा सा शौक़ रखता हूँ गाड़ियों का हमारे पास 2009 तक गाड़ी नहीं थी उससे पहले बस यही गाड़ियों की शेप्स देख के या कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है बड़ी छोटी हर तरीके की गाड़ी का एक इंटरेस्ट रहता था छोटे होते जैसे मैं बोलूँगा कि डेवो सिलो हो गई ओपेल ओपेलास्ट्रा हो गई फोर्ड मोंडियो हो गई और इसके अलावा टाटा सायरा हो गई मतलब बहुत गाड़ियाँ जो थी छोटे होते उन पर क्रश था तो आप ये समझ सकते होंगे जो कार लवर्स हैं कि कितनी सुंदर गाड़ियाँ हमारे देश में पहले आ चुकी हैं और इनफैक्ट फोर मीटर रूल आने के बाद तो मैं बोलूँगा कि जो गाड़ियों का डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं लिमिटाइज कर दिया गया है क्योंकि टैक्सीज़ को बचाने के चक्कर में सुंदर गाड़ियाँ लॉन्च नहीं हो रही ज़्यादा अगर मैं हाथों पर गिनना चाहूँगा तो मुझे लगता है कि स्कॉडा फॉक्स वैगन की गाड़ियाँ कुछ ठीक हैं कि सेल्टॉस सुंदर गाड़ी है या कुछ हैच जैसे आई ट्वेंटी हो गई एल्ट्रॉज हो गई कुछ गाड़ियाँ मतलब अभी हाथों पे हम गिन सकते हैं बट इसमें कोई ऐसा रेवोल्यूशन नहीं आया जितना हमने सोचा था क्योंकि जब उन्नीस में आपके पास ड्राइवो सिलो जैसी गाड़ी हो इतनी सुंदर या टाटा सायरा जैसी गाड़ी हो वैल्यू फॉर मनी उस हिसाब से अगर आज देखें तो उतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन डिज़ाइन में नहीं आया तो आज मैं बात करूँगा कि तेरह गाड़ियाँ जो मुझे लगता है कि काश आज भी अगर मार्केट में होती तो शायद बेटर रिलायबल इंजनस के साथ या अगर इनको कोई और ब्रांड लॉन्च करता तो ये मुझे लगता है कि द्वारा सक्सेसफुल हो सकती है या इनमें पोटेंशियल है सक्सेसफुल होने की कई गाड़ियाँ हैं इसमें जो मुझे लगता है कि समय से पहले लॉन्च कर दी गई या ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी मूवीज़ भी आप देखते हो आपको रियलाइज़ होता है कि ये समय से पहले वाली मूवी है जिसमें मैं बोलूँगा कि देव डी हो गई गुलाल हो गई रॉकेट सिंह हो गई ये समय से पहले वाली मूवीज़ हैं अगर आज ये मूवीज़ लॉन्च होती जब मल्टीप्लेक्सेज चल रहे थे तो, तो ज़्यादा इनकी चर्चा होती ज़्यादा इनकम होती तो होती हैं कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी जो मुझे लगता है कि समय से पहले लॉन्च हुई और परचेज़ पावर तब उतनी नहीं थी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की बट आज परचेज़ पावर है उनकी अगर ये गाड़ियाँ आज लॉन्च हो तो बट इधर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये गाड़ियाँ सक्सेसफुल नहीं हुई उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये गाड़ियों का मकैनिकली अनिलइबल होना रीसेल कम होनी स्पेयर पार्ट्स और सर्विस और रिपेयर्स ये महंगी भी होनी और अवेलेबिलिटी ऑफ मकैनिक्स भी कम होना और इसके अलावा कई ब्रांड्स इसमें हैं जो कोई और गाड़ी लॉन्च करने वाले थे और इन्होंने अपनी और एग्जिस्टिंग चलता हुआ मॉडल उन्होंने डिसकन्टीन्यू कर दिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको गाड़ियों के नाम गिनाना चाहूँगा सबसे पहले है ओपेलास्ट्रा जो कि बहुत ही सुंदर मुझे लगता है कि अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही सुंदर गाड़ी उन्नीस में, में लेके 2006 तक ये सेल में थी इंडिया में उसके बाद डिसकन्टीन्यू हो गई और इसका प्राइस जो था वो सात लाख से साढ़े सात के बीच में था अच्छी गाड़ी थी लेकिन जो मैंने कारण आपको बताए हैं उन्हीं कारणों के कारण ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई और ओपल भी इंडिया छोड़ के चला गया दूसरी गाड़ी वन ऑफ़ माई चाइल्ड फेवरेट जो है फीएट पैलियो समय से पहले वाली गाड़ी बहुत बुलेट प्रूफ गाड़ी थी सॉलिड और डीजल इंजन बहुत अच्छा था इसका 2001 में लॉन्च हुई 2010 में बंद हुई पाँच से साढ़े पाँच लाख की कीमत अब उस टाइम पे साढ़े पाँच बहुत बड़ी अमाउंट थी और उसमें काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आपको मिल जाती थी और ब्रांड्स में और तीसरी गाड़ी बहुत से व्यूअर्स के आंखों में चमक आ जाएगी नाम सुन के टाटा सायरा और जो कि मैं कहूँगा कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन कार्स आज तक की साढ़े लाख से लेके छः लाख तक इसकी कीमत थी उन्नीस में ये लॉन्च हुई और नाइन्टी या नाइन्टी में ये डिसकन्टीन्यू हो गई अगेन वही रीजनस के कारण इसमें प्यूगो का इंजन था टाटा का अपना नहीं था फ्रेंच ब्रांड है और मकैनिकल इशूज़ रिलायबिलिटी इश्यूज, इसके कारण इनकी जो एस थी ये वाली जो कि ऑलमोस्ट पजेरो जैसी लगती थी वो कहीं ना कहीं उनको डिसकंटिन्यू करनी पड़ी आई होप ये इसको हैरियर का इंजन डाल के द्वारा लॉन्च करें चाहे हम टू डोरी बना दें हम वो थोड़ा सा सह लेंगे थोड़ा सा सीट आगे करके पीछे बैठने वाला बट अगर आप इसको दोबारा लॉन्च करते हो तेरह चौदह लाख के बीच में देर इज़ नो रीज़न के थार जितनी ये ना बिके क्योंकि थार की जैसे बहुत फैन फॉलोइंग है ऐसे टाटा सायरा की भी अगर ये लॉन्च करेंगे रिलायबल इंजन के साथ तो आई डोंट फाइंड एनी रीजन के 15 लाख तक भी अगर ये होगी तो क्यों नहीं बिकेगी क्योंकि लुक्स जो थे इसकी वो बहुत बुच थी बहुत टाइमलेस लुक्स थी इसकी अगली गाड़ी जो है वो है हुडाई गेट्स बहुत ही बढ़िया सॉलिड और रिलायबल गाड़ी थी लेकिन हुंडई ने आई ट्वेंटी के लिए रास्ता बनाना था प्रीमियम सेगमेंट में हैचपैक में इसलिए उन्होंने इसको डिसकन्टिन्यू कर दिया साढ़े चार लाख से लेके पाँच लाख तक और 2004 में लॉन्च हुई थी 2010 में डिस्कटिन्यू करनी पड़ी हुंड को और ये वही गाड़ी है दोस्तों जो दृश्य मूवी में गायतोंडे ढूंढ रहा था अगली गाड़ी अगेन मुझे लगता है कि जो भी ये 30-35 साल वाले हैं उनकी आँखों में चमक ले आएगी और वो है मित्सुबिशी लेंसर बहुत ही बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइंड सीडेन उन्नीस सौ अठानवे में लॉन्च हुई और दो हज़ार बारह में डिसकटिन्यू करनी पड़ी साढ़े छः से लेके आठ लाख तक जाती थी और आई स्टिल बिलीव के इससे सुंदर सीडैन जो है आज तक इंडिया में नहीं आई पैसेंजर सेगमेंट में इतनी सुंदर हुंडाई वरना और मित्सुबिशी लेंसर ये मैं मानता हूँ कि पंद्रह लाख ,00 से नीचे नीचे सबसे सुंदर सीडाज हैं आज तक की तो आई विश के लेंसर जो है मित्सुबिशी लेंसर जो है वो काश हमें दोबारा मिल सके चाहे प्राइस रेंज जो है वो करेक्शन के साथ आज की डेट में तेरह से सोलह लाख में होगी जैसे होंडा सिटी भी महंगी हो गई है बट लेंसर जैसी गाड़ी बंद हो जाना और अभी अवेलेबल ना होना इट्स अ काइंड ऑफ सैड थिंग अगली गाड़ी दोस्तों जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी अपने टाइम पे उसका नाम है फोर्ड आईकॉन वैल्यू फॉर मनी से डैन मानी गई है इंडिया में ये फोर्ड की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं 2013 के बाद थोड़ी सी वॉचडअप हो गई हाई प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स पे इनका ज़्यादा ध्यान हो गया इको स्पोर्ट पे और फोर्ड एंड पे जबकि फोर्ड आईकॉन जैसी गाड़ी जो थी इनकी 1999 में लॉन्च हुई 2011 तक ये अच्छी खासी बिकी पाँच से लेके कर साढ़े छः लाख तक इसकी कॉस्ट थी जो कि मैं अगेन बोलूँगा बहुत वैल्यू फॉर मनी वैल्यू फॉर मनी सीडा बट कुछ और प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने रास्ता बनाया फोर्ड फीएस्टा के लिए और नई फोर्ड फीएस्टा जनरेशन के लिए तो धीरे धीरे उनको ये गाड़ी डिसकन्टिन्यू करनी पड़ी क्योंकि होता क्या है कि जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं किसी ब्रांड के वो हमेशा थोड़ा सा चीप प्रोडक्ट देख लेते हैं अगर अगर आप देखें कि सपोज कीजिए कि अगर वर्चिस आ जाती है फॉक्स की या साथ में आ जाती है टाइगून अगर 1.5 इंजन वाली वर्चिस चौदह साढ़े चौदह लाख की होगी और टाइगून हो 18 लाख की तो एज अ लॉयल कस्टमर मैं शायद वर्चिस लेना पसंद करूंगा तो आइकॉन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी जो इनके बढ़िया डीजल इंजन थे वो फोर्ड फीगो में भी थे फोर्ड आइकॉन में भी थे फोर्ड फियास्टा में भी थे तो उनको फिर कहीं ना कहीं फोर्ड आइकॉन की सेल रोकनी पड़ी क्योंकि वो फोर्ड फिएस्टा चाहते थे ज़्यादा बिके फोर्ड आइकॉन से ये जो है इंडिया में जिनकी सेल्स परसेंटेज कुछ ज़्यादा नहीं है जिनको मारुती या होंडई वाली लग्जरी नहीं है कि वो ओवरलैपिंग वाले प्रोडक्ट्स एक साथ बेच सकें जैसे मारुती है वैगनार के साथ सिलैरियों बेच रही है सिलारियो के सिलैरियों के साथ स्विफ्ट बेच रही है स्विफ्ट वाले सेगमेंट में बेलिनो बेच रही है इनकी गाड़ियाँ इनकी गाड़ियों के प्राइस ओवरलैपिंग होते हैं बट स्टिल सब गाड़ियाँ बिकती हैं इनकी हर ब्रांड के साथ ये लग्जरी नहीं है जब वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनको बहुत सोचना पड़ता है कि कहीं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमारी सेल्स ना खा जाए तो ऐसे कंसर्न्स भी हैं इसमें सभी गाड़ियाँ मकैनिकल इश्यूज़ या रीसेल के कारण बंद नहीं हुई दोस्तों अगली गाड़ी जो है इसमें मारुति को भी हमने कंसिडर किया है और गाड़ी का नाम है मारुति ग्रैंड विटारा मारुति ने अगर आप इनका इतिहास उठा के देखो तो काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ कुछ बनाई हैं इन्होंने अभी कुछ बिल्ड क्वालिटी को लेके इनकी क्वेश्चन उठते हैं रेपूटेशन थोड़ी बहुत डेंट भी हुई है इस चीज़ से लेकिन इन्होंने ग्रैंड विटारा पुरानी वाली बेलिनो जो सीडाइन थी एस एक्स फोर और अभी एस क्रॉस इवन ब्रेजा भी ये सेफ गाड़ी है ब्रेजा तो ऐसा नहीं है कि मारुति को पता नहीं है कि अच्छी गाड़ी कैसे बनती है बहुत समय पहले अगर आप इसके डेट देखो 2009 में लॉन्च हुई और 2015 में डिसकटिन्यू हुई ग्रैंड विटारा की कॉस्ट जो थी वो थी 15 से 20 लाख और अपने टाइम की ये बहुत अच्छी एस मानी गई थी काफ़ी कैपेबल थी बट तब फोर्ड की जो एंडाइवर थी पुरानी जनरेशन वाली सारी सेल्स उन्होंने खा ली थी और विटारा की जगह लोग स्कॉर्पियो सफारी Endeavor, इस सेगमेंट की गाड़ियाँ प्रेफर करते थे और इनफैक्ट शेवरोले की कैप्टिवा भी थी तब तो कहीं ना कहीं मारुति का एक जो टैग था वो पैसेंजर गाड़ियों वाला टैग था उसके कारण थोड़ी सी स्नॉप वैल्यू लोगों को कम लगती थी पंद्रह बीस लाख खर्चने में तो दे प्रेफर्ड एंडाइवर या स्कॉर्पियो ओवर दिस कार अगली गाड़ी जो है वो है वन ऑफ माय फेवरेट और आज भी अगर आपको सेकंड हैंड कहीं से मिलती हो रिलायबल सोर्स से तो आप ज़रूर लें होंडा सिटी थर्ड जनरेशन दोस्तों जब होंडा सिटी थर्ड जनरेशन गाड़ी थी इंडिया में इनकी पैदलली सिविक और अकॉर्ड भी थी होंडा की तब होंडा मैं बोलूँगा कि जितना जितनी हम फॉक्स की क्वालिटी की बात करते हैं तब होंडा का वो लेवल था बुलेट प्रूफ रिलायबल इंजनस और सुपर सॉलिड बिल्ट क्वालिटी बट दो के बाद पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया है कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन वाली तरफ ये चल पड़े हैं और होंडा सिटी थर्ड जनरेशन जिन्होंने रखी है वो भी ये मानेंगे कि होंडा सिटी फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में वो बात नहीं है जो होंडा सिटी थर्ड जनरेशन में थी सबसे सुंदर आज तक की होंडा सिटी है ये और 2008 में लॉन्च हुई थी 2014 तक बिकी अच्छी सेल्स चल रही थी इसकी सात लाख आठ लाख कीमत थी इसकी बट क्योंकि नई जनरेशन लेकर आनी थी होंडा ने तो चलते घोड़े को चाबुक मारने वाली बात है कि उन्होंने थर्ड जनरेशन को डिसकन्टिन्यू करके फोर्थ जनरेशन गाड़ी निकाल ली बट आज भी मैं बोलूँगा कि थर्ड जनरेशन जैसी सुंदर गाड़ी सीडैन में आपको नहीं दिखेगी ऑब्वियसली लेंसर और वरना का नंबर ज़्यादा है बट हॉन्डा सिटी भी किसी से कम नहीं है इसमें अगली गाड़ी दोस्तों अगेन बहुत रिलायबल वैल्यू फॉर मनी और स्नोब फर्स्ट जनरेशन टटा करोला 2003 में लॉन्च हुई और 2008 में डिसकन्टीन्यू की इन्होंने टिटा ने 9 से 13 लाख के बीच सिर्फ ये गाड़ी क्योंकि ये बड़ी सीडैन मानी जाती थी ये होंडा सिटी या से सेगमेंट से ऊपर वाली गाड़ी थी 9 से 13 लाख में इतनी अच्छी टिटा करोला जो कि ग्लोबली नंबर वन गाड़ी बिकने वाली बुलेट प्रूफ रिलायबल इंजन सॉलिड बिल्ड क्वालिटी सुपर सेफ गाड़ी आपको मिलती थी धीरे धीरे करोला का रेट इतना बढ़ता गया कि जब उन्होंने आल्टिस निकाली तो उसका बेस प्राइस ही उन्होंने अठारह लाख रखा और आई थिंक चौबीस पच्चीस लाख तक वो जाती थी तो ऑलमोस्ट आप देखिए कि दो में अगर गाड़ी डिसकन्टीन्यू हुई और आलटिस अगर आई उसके बाद करोला तो डबल रेट के साथ आई तो उसका फिर फेल होना तय था और आप देख सकते हो कि करोला अभी डिसकन्टीन्यूड है ट्योटा को कहीं ना कहीं चाहिए था कि ग्रेजुअल प्राइस इंक्रीज करता अगर 2008 तक ये 13 लाख तक भी जाती थी तो आज की डेट में आप मान के चलिए 18 लाख तक जो है वो जस्टिफाइड है लास्ट अगली गाड़ी दोस्तों बहुत लोग मेरे से सहमत होंगे कि काश ये गाड़ी हमारे पास आज भी होती स्कॉडा फैबिया पोलो से पहले बहुत ही बढ़िया प्रीमियम हैचबैक स्कोडा की तरफ से वॉक्स जो है स्कोडा को ओन करता है तो वॉक्स नहीं चाहता था कि जो स्कोडा फैबिया है उनकी सेल्स खा जाए तो उन्होंने अच्छी खासी गाड़ी चलती डिसकन्टिन्यू कर दी और 2008 से लेके 2013 तक ये गाड़ी बिकी साढ़े पाँच लाख से लेके कर सात लाख तक जाती थी और जो हम पोलो की बात करते हैं पोलो से भी एक पॉइंट भड़के उसकी बिल्ड क्वालिटी थी सेफ्टी फीचर्स स्टेबिलिटी ड्यूरिंग हाई स्पीड्स कोई कंपैरिजन नहीं था बहुत ही प्रीमियम हैचबैक थी अपने टाइम से आगे की गाड़ी थी बट फॉक्स ने पोलो की सेल कैनिबलाइज ना हो इसके लिए फैबिया को धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर दिया था इंजन जो थे वो वही वन पॉइंट सिक्स स्कॉडा फैबिया और पोलो में शेयर होते थे तो बट जो फॉक्स की जो ये स्ट्रेटी थी वो काम आई क्योंकि पोलो भी पोलो भी दो से लेके 2017-18 तक बहुत अच्छे से बिकी मंथली थ्री थाउजेंड या पैंतीस सौ यूनिट्स अभी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही हैं सेल्स क्योंकि गाड़ी दस साल पुरानी है और सभी नई जनरेशन की डिमांड कर रहे हैं अगली गाड़ी दोस्तों जो है वो है शेवरोले की एस अपने टाइम से आगे की गाड़ी शेवरोले ऑप्ट्रा को इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग हैच बना दिया था और उसका जो एग्जॉस्ट था वो भी स्पोर्ट्स गाड़ी की जैसा था 2006 में लॉन्च हुई 2010 में डिसकंटिन्यू की और 7-8 लाख के बीच में इसकी कीमत थी बहुत ही सुंदर दिखने वाली गाड़ी थी शैबरोले की कुछ गाड़ियाँ जैसे कैप्टिवा ऑप्ट्रा ये भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी बट एस को मैं मानता हूँ कि अपने टाइम के आगे की गाड़ी थी और शायद वैसी जो मार्केट तब इंडिया में नहीं थी जो ऐसी गाड़ी को अप्रिशिएट कर सके अगली गाड़ी दोस्तों अगेन फोर्ड की फिगो जो करंट जनरेशन है इससे पहले वाली जो फीगो थी इतनी अच्छी वो सेल्स निकाल रही थी 2010 में लॉन्च हुई 2015 तक और लोग कस्में खाते थे इसकी डीजल इंजन की और सिर्फ चार लाख से शुरू होकर छः साढ़े छः लाख तक जाती थी पेट्रोल और डीजल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी थी स्पेशियस गाड़ी थी जो पोलो नहीं लेते थे कस्टमर वो फीगो को प्रेफर करते थे क्योंकि काफ़ी रेट कम भी था उसका बट अच्छी खासी सेल्स होने के बावजूद इन्होंने नई जनरेशन फोर्ड फीगो लेके आए और उतनी वो सेल्स अच्छी नहीं निकाल पा रही और आज जो है कुछ भी उसकी सेल्स एज़ कम्पेयर टू तो दिस फीगो बहुत कम है तो कहीं ना कहीं फोर्ड ने ये ट्रिक मिस इधर की है नई जनरेशन ला के लास्ट में दोस्तों मैंने एक गोल्ड जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड डिज़ाइन वो रखा हुआ है हालांकि ठीक है वो ब्रिटिश ब्रांड से कॉपी किया गया है वो है हिंदुस्तान मोटर्स की कंटेसा यार कहीं ना कहीं ना जो कहते हैं ना कि एक रुबाबदार गाड़ी ये डिज़ाइन देख के बहुत गर्व होता है कि इंडिया में ऐसी गाड़ी भी बिकी है उन्नीस से लेके 2002 तक सभी पॉलिटिशन्स या सभी जो बिजनेस होते थे तगड़े डेवो सिलो के आने से पहले ये हिंदुस्तान मोटर्स की कंटेसा ही प्रेफर करते थे बट इसकी मैकेनिकल इश्यूज बहुत कम माइलेज ये इश्यूज के चलते या और ब्रांड्स की रिलायबल गाड़ियाँ आने के बाद फिर धीरे धीरे ये गाड़ी फेज़ आउट हो गई बट एक इतनी सुंदर दिखने वाली सीडाइन लंबी या एक मेजेस्टिक डिज़ाइन उसको मैं बोलूँगा और साढ़े चार लाख से ले कर छः लाख तक इसकी कॉस्ट थी तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि ये तेरह चौदह गाड़ियाँ जो मैंने आपको गिनाई हैं ये बस मेरा यही मकसद था आपको बताने का कि दो में अगर हम जी रहे हैं तो इससे पहले भी बहुत सुंदर गाड़ियाँ इंडिया ने देखी हैं अभी इसमें मैंने सफारी को कंसिडर नहीं किया फोर्ड मॉडियो को कंसिडर नहीं किया फोर्ड एस्कॉट को कंसिडर नहीं किया मारुति बेलिनो को कंसिडर नहीं किया हंडे की एक्सेंट को कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये ये गाड़ियाँ ऐसी हैं जो एवरग्रीन डिज़ाइन थे इनके आज भी अगर ये हो उनको मल्टी रिफ्लेक्टर लाइट्स दे दें इंटीरियर्स उनके अपडेट कर दें तो गाड़ियाँ ये बिकेंगी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी आपके जो कमेंट्स हैं सुझाव हैं आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं और अपनी जो मेरी वेबसाइट है वॉल क्लब उसमें मैं कुछ जो कम्युनिटी ड्रॉप डाउन नेविगेशन है उसके नीचे कुछ आज फॉर्म्स डालने की सोच रहा था जिसमें आप अपने कार के जो बिल्स हैं सर्विस बिल्स उसको आप सारा मार्क कर दें अपना बेशक अपना नाम या अपना फ़ोन नंबर या कुछ भी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको मार्क करके उसको थोड़ा सा मार्कर के साथ आप आप उसे मुझे ई कीजिए ताकि एक मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा डेटा रखें जिसमें रियल टाइम हमें पता चल सके कि कार सर्विसेज की क्या कॉस्ट रह रही है पार्ट्स की कॉस्ट क्या है और मोटा मोटा मैं चाहता हूँ कि कुछ ब्रांड्स जैसे फॉक्स वैगन स्कॉडा फोर्ड जीप टाटा क्योंकि ये अच्छी और सेफ़ गाड़ियाँ बनाते हैं इनका मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का डेटा रहे इनका एक पार्ट्स का हमारे पास डेटा रहे कि क्या क्या प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है और कितनी वेरिएशन है सर्विस कॉस्ट्स में डिफरेंट सिटीज़ को लेके बट अगेन मैं बोलूँगा कि सेंसिटिव इंफॉमेशन को आप मार्क करके भेजें तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा हमारी वेबसाइट पे कोई भी आके विजिट करके थोड़ा सा उसको आइडिया लग सकता है कि अगर वो मध्य प्रदेश में है तो क्या कार की कॉस्ट आएगी अगर वो पंजाब में है तो उसकी दूसरी या तीसरी सर्विस है तो क्या कॉस्ट आ सकती है क्या करवाना है क्या नहीं करवाना तो एक ये प्रयास हम करने की सोच रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे चेयर्स